two nations thousands of miles apart, locked in a conflict that shapes the future of Middle East and perhaps the world. Iran and Israel, two states whose clash of ideologies, defense policies and political strategies have turned their rivalry into a global issue. हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग लीगल थीसिस। अगर आप भी रोज न्यूज देख रहे हैं लेकिन ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस पूरी कन्फ्लिक्ट की कहानी को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर न्यूज की माने तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, पर क्या सच में ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में इस कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है और ये शुरुआत हुई कैसे। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज जो दो देश एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं वो एक्चुअल में शुरू से दुश्मन थे ही नहीं। इनफैक्ट उनके बीच बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही कोऑपरेटिव रिलेशन था। वो एक दूसरे को हेल्प करते थे। जहां ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई प्रोवाइड करता था, वहीं इसराइल ईरान को मिलिट्री और एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। इन दोनों स्टेट्स के बीच इतनी तालमेल इसलिए भी थी क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेम थी। जहाँ अरब के इनके बाकी के नेबरिंग कंट्रीज जो थे वो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे, वहीं ईरान और इसराइल ये दोनों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते थे। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से इनके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप थी। लेकिन ईरान और इसराइल का ये फ्रेंडली रिलेशन सिर्फ 1979 तक ही था, क्योंकि 1979 तक ईरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी के कंट्रोल में था। 1979 में होता है रेवोल्यूशन, जिसे हम जानते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से, जिसमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पावर से हटा करके आयतुल्ला रूहोल्ला कुमेनी को पावर में लाया जाता है। अब ईरान जो था वो कुमेनी के अंडर कंट्रोल में था। इसी के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्टैब्लिश किया जाता है, और क्योंकि कुमेनी अब पावर में आ गए थे तो वहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, ये सारी ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कुमेनी ने इसराइल को एक अवैध राज्य और मिडिल ईस्ट में एक सिंबल ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन या वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन की तरह ट्रीट किया। इस नए ईरानी शासन ने इसराइल की निंदा की और उसे खत्म करने का भी निश्चय किया। 1979 के इस रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान और इसराइल की दुश्मनी शुरू होती है। इन दोनों स्टेट्स के बीच का कन्फ्लिक्ट सिर्फ जियोपॉलिटिकल ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस पे भी बेस्ड है। एक तरफ ईरान है जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का प्रोटेक्टर मानता है, तो दूसरी तरफ इसराइल है जो जूस को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उन्हें एक सिक्योर स्टेट प्रोवाइड करना चाहता है। अगर हम जूस की हिस्ट्री देखें तो उन्हें हर जगह से पर्सिक्यूट किया गया, चाहे यूएसएसआर हो या नाजी जर्मनी के हिटलर हो, उन्हें हर जगह ही इल ट्रीटमेंट मिली है, तो उनके लिए ये करना ठीक भी है। अब ये तो थी हिस्ट्री की बात, लेकिन ये मुद्दा करंटली चर्चे में क्यों है अब वो जानते हैं। एक्चुअल में सिचुएशन स्टार्ट होती है लास्ट ईयर 7th of October 2023 से, जब गाजा स्ट्रिप में स्टैब्लिश एक हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसराइल पर अटैक करती है। इसके अगले ही दिन 8th of October 2023 को हिजबुल्ला नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो लेबनान में स्टैब्लिश है वो भी इसराइल पर अटैक कर देती है, और इसके कुछ दिन बाद ही यमन के हूदी रिबेल्स वो रेड सी में ऑयल टैंकर्स को टारगेट करते हैं इसराइल के। चारों तरफ से झेल रहे इन अटैक्स को रिटेलिएट करता है इसराइल और बहुत ही अच्छी तरीके से इन अटैक्स का जवाब देता है। इसराइल द्वारा गाजा में किए गए रिटेलिएशन को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, क्योंकि उस रिटेलिएशन में 41,600 लोगों की जान गई थी। रिटेलिएशन का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है और आप उस अटैक का आंसर करते हो अटैक करके, तो उसे हम रिटेलिएट करना कहते हैं। एक्चुअल में हमास, हिजबुल्ला और ये हूदी रिबेल्स, ये सब ईरान द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ईरान इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रॉक्सी वॉर कंडक्ट कराता था। प्रॉक्सी वॉर का सेंस ये है जब दो कंट्रीज डायरेक्टली ना लड़के किसी प्रॉक्सी या किसी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को बेस बना के लड़ाई करते हैं या वॉर कंडक्ट कराते हैं, अटैक्स करवाते हैं, उसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इसराइल ईरान को हेड ऑफ ऑक्टोपस नाम से भी बुलाता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्टोपस के कई सारे पैर होते हैं उसी तरीके से ईरान के भी कई सारे अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके थ्रू वो अटैक्स करवाता है। अभी तक तो इसराइल और ईरान की लड़ाई प्रॉक्सी के थ्रू हो रही थी, लेकिन अप्रैल 2024 में इसराइल ने सीरिया के कैपिटल डमास्कस में इसराइल एम्बेसी पे डायरेक्ट अटैक करके इस प्रॉक्सी वॉर को डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आप जब किसी एम्बेसी पे अटैक करते हैं तो उसे माना जाता है, भले वो एम्बेसी फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है लेकिन वो एम्बेसी पार्ट होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की,
और एम्बेसी पे अटैक, यानी कि उस कंट्री पे डायरेक्ट अटैक। इस अटैक में ईरान के 7 ऑफिसर्स की डेथ हुई, जिसमें से ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जहीदी, जो एक सीनियर कमांडर थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के, और उनके साथ उनके डिप्टी कमिश्नर हादी हजरी अहिमी, इन दोनों की भी मौत हो जाती है। इस अटैक के जवाब में ईरान इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन से अटैक करता है, लेकिन ये अटैक एक एक्सटेंड तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं और ये मिशन फेल हो जाता है। इसके बाद और भी कई अनऑफिशियल अटैक्स हुए, जो कि ऑफिशियली ना ही ईरान ने और ना ही इसराइल ने एक्सेप्ट किया। 1 अक्टूबर को ईरान लॉन्च करता है उसका मिसाइल बराज इसराइल पे, जो कि इसराइल के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है। जब ये टारगेट्स हो रहे थे, उसी मीन टाइम में तेल अवीव के सदर्न रीजन में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें हमस के 2 लोग गन्स लेके रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां पर शूट करते हैं, जिसमें 7 इसराइली की डेथ होती है। ईरान के इस 1 अक्टूबर के अटैक को इसराइल ने अभी तक रिटेलिएट तो नहीं किया है, बट ज्यादातर चांसेस हैं कि इसराइल अगर रिटेलिएट करेगा तो शायद ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है। पर अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ईरान और इसराइल ही नहीं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी डाउनफॉल देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अगर उसकी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया तो वो किसी को भी ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। ईरान और इसराइल दोनों की ही मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, तो अगर दोनों डायरेक्ट वॉर में आते हैं तो डिस्ट्रक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे होगा, और इसका इफेक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? द आंसर इज नो, क्योंकि पहली बात तो ये, हर एक स्टेट जानती है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करना ईजी होता है बट एंड करना बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि एंड किसी को भी नहीं पता होता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव होगा, ह्यूमन फोर्स कितनी ज़्यादा लगेगी, कितनी ज़्यादा इकोनॉमी नीचे जाएगी और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए वॉर तो कोई स्टेट नहीं चाहती है किसी भी कंडीशन में, पीस सबको चाहिए होता है, लेकिन बस एक ईगो का मैटर होता है जो कोई झुकना नहीं चाहता। अब यहाँ पे अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता तो उसकी एक जो इमेज बनी हुई है उसकी नेबरिंग कंट्रीज में, वो खराब हो जाती। वहीं अगर इसराइल रिटेलिएट ना करता ईरान के ऊपर, तो यहाँ पे ईरान जो था वो अपने आप को पावरफुल प्रूफ करके इसराइल को दबाने का ट्राई करता, तो ये गेम सिर्फ एक वॉर की चल रही है। वहीं अगर हम देखें हमारा दूसरा कॉज, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को वर्ल्ड वॉर 3 एक्सपेक्टेड सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो वॉरफेयर को रेगुलेट कर सकती थी, या ना ही हमारे पास कोई इंटरनेशनल लॉज थे। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 3 जब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस टाइम पे हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन और कई सारे ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं जिसे हम एनफोर्स करके पीस को मेंटेन कर सकते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 इज नोवेयर क्लोज बिकॉज ऑफ दिस कंफ्लिक्ट। अब अगर ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जा रही है, तो इसको एंड करने का सोल्यूशन क्या है? कुछ ऐसा प्रपोज सोल्यूशन हो सकता है जहां पे ईरान और इसराइल दोनों ही अग्री करें एक अग्रीमेंट साइन करने के लिए फॉर सीज फायर। सीज फायर अग्रीमेंट वो होता है जहां पे दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं अटैक्स करने के लिए। सीज प्लस फायर, अटैक्स करने के लिए जब आप प्रोहिबिट कर देते हो, रोक लगा देते हो, उसे सीज फायर अग्रीमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो एक और प्रपोज सोल्यूशन है वो है 2-स्टेट सोल्यूशन। जो फलस्तीन और इसराइल का मैटर है, उसमें फलस्तीन को एक अलग स्टेट और इसराइल को एक अलग स्टेट देके दोनों की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये थी पूरी कन्फ्लिक्ट स्टोरी अबाउट ईरान एंड इसराइल। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट का स्टोरी क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।